नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, नोटबंदी और जीएसटी के कारण जनता की पीड़ा समझने में मोदी नाकाम रहे। पाकिस्तानी सेना को भारत की दो टूक नहीं बख्शेंगे पाक समर्थित आतंकियों को। आधार मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। आधार को मोबाइल से जोड़ने के केंद्र सरकार के फैसले को दी थी शीर्ष अदालत में चुनौती। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, अल्पसंख्यक इलाकों में खुलेंगे 100 केंद्रीय विद्यालय। पाटीदार आरक्षण के मुद्दे पर पटेल की गैर मौजूदगी में हुई पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति और कांग्रेस की बैठक। गुजरात में आम आदमी पार्टी को झटका, महिला इकाई की प्रमुख समेत 100 नेता कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल। मुंबई से दिल्ली जा रहे विमान को बम से उड़ाने की धमकी, आपात स्थिति में अहमदाबाद में उतरा विमान। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद 50 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं की हालत बिगड़ी। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात तमिल लेखक मेलनमई पोन्नुस्वामी का निधन। तालिबानी हमले में 22 अफगान पुलिस कर्मियों की मौत। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को 4-1 से हराया। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।